आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली टीआरएनए स्ट्रक्चर्स के लिए, तो टीआरएनए स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं क्रिएटिव वे में आने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे समझने की कोशिश करिएगा कि एग्जैक्टली क्या केस बन रहा था। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे नॉर्मल सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स जो है टीआरएनए का, दिस इज द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, ये जो है पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है नॉर्मल फॉर्म में, जिसमें कि आप देखेंगे दिस इज अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, ये जो साइट पे आ जा रहा है इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। इसके बाद ये जो नीचे का पोर्शन है दैट इज यहां पे जो होता है ये अफिलिएशन एंटी कोडॉन साइट्स पे आ जाते हैं। यहां पे आप नीचे देख पा रहे होंगे दिस इज द एंटी कोडॉन साइट्स, ये जो है एंटी कोडॉन साइट्स पे आ जा रहा है। एंटी कोडॉन साइट्स जो होते हैं ये आपके जहां पे एमआरएनए को रीड करते हैं, एंड ऊपर जो ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट्स है यहां से टीआरएनए जो होता है नए अमीनो एसिड को पकड़ के ले आता है, यहाँ पे नया अमीनो एसिड को लेके आता है कि आओ बेटा चलो, और इसको ले जाके ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व करता है। तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, ये जो एक नॉर्मल सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है इसको अगर हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे दिस इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये एल शेप्ड जैसा दिख रहा होगा, दिस इज बेसिकली लुकिंग लाइक एल शेप्ड, अगर आप देखेंगे तो ये एल शेप्ड जैसा दिख रहा होगा। तो इस एल शेप्ड स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या होता है कि देखिए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगेन दिस इज एंटी कोडॉन साइट, ये जो है ये आपका एंटीकोडॉन साइट है, ये एंटीकोडॉन साइट है, और यहाँ पे जो इस तरीके से चीजें चल रही हैं, इस तरीके से चीजें चल रही है, दिस इज अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, ये क्या है ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है और ये जो है ये एंटीकोडॉन साइट है। तो ये जो केस बन रहा था ये आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था। इसके अलावा जब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन के केस में, दिस इज लाइक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक्चुअली जो कैसा चल रहा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, जब हम टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर जब बात कर रहे होते हैं तो ये ऊपर सबसे ऊपर हिस्सा हियर दिस इज सीसीए, ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है आप यहाँ पे देख रहे होंगे थ्री प्राइम अटैचमेंट साइट, इसको हम बोलते हैं दैट सीसीए एंड। यहाँ पे आप सीक्वेंस भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मेंशन है जैसे सी सी एंड ए, ये जो पाया जा रहा है जैसे सी सी एंड ए, यहाँ पे सी सी ए एंड जो पाया जा रहा है यहाँ पे अमीनो एसिड एक्चुअली अटैच होता है, यही पे जो अमीनो एसिड एक्चुअली जो होता है अटैच होता है। इसके अलावा यहाँ पे हिस्सा पाया जा रहा है दिस वन, इस हिस्से को बोलते हैं डाइहाइड्रोयूरिडीन, इसको क्या बोलते हैं डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप बोलते हैं। ये जो है ये डी लूप स्ट्रक्चर है, डी लूप में डी लूप जो होता है डाइहाइड्रोयूरिडीन पाया जा रहा है, तो इसको हम डी लूप स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप मेरे सामने, ये जो हिस्सा है दिस इज द सीडोयूरिडीन, ये जो हिस्सा पाया जा रहा है दिस इज द सीडोयूरिडीन, ये सीडोयूरिडीन का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जहां पे टी साइज सी लूप पाया जाता है, जिसमें कि सीडोयूरिडीन पाया जाता है। और बचा ये नीचे वाला हिस्सा, इस नीचे वाले हिस्से पे क्या पाया जाएगा एंटी कोडॉन पाया जाएगा, यहाँ पा क्या पाया जाएगा एंटी कोडॉन पाया जाएगा। तो दिस इज लाइक ये जो है ये आपका एंटी कोडॉन लूप है, एंटी कोडॉन लूप जहां पे कि एमआरएनए अटैच होगा। तो होप कि आपको ये जो है डायग्राम टीआरएनए का समझ में आया होगा, जिसमें कि हमने सबसे पहले देखा था ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर जिसको सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बता रहा था मैं, जिसमें कि एंटी कोडॉन लूप नीचे पाया जा रहा था, ऊपर अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट पाया जा रहा था। इसके अलावा हमने थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा जहां पे हमने देखा एंटी कोडॉन लूप एट द बॉटम, एंड यहां पे देखा हमने जहां पे अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट था सीसीए एंड, यहां पे मिलेगा सी उसके बाद ये सी एंड देन ए सीसीए अटैचमेंट यहां पे भी पाया जा रहा है। इसके बाद हमने टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा जहां पे नीचे दिस इज एंटी कोडॉन, ये आपका एंटी कोडॉन लूप होता है जहां पे 5 बेस पेयर स्टेम पाए जाते हैं। इसके बाद ये आपने देखा टी साइज सी लूप स्ट्रक्चर देखा, ये आपने टी साइज सी लूप देखा जहां पे सीडोयूरिडीन पाया जाता है, और इसके बाद आपने देखा था ये जो है स्ट्रक्चर हियर दिस इज द डी लूप डाइहाइड्रोयूरिडीन, एंड इसके बाद आपने सबसे ऊपर यहां पे देखा था सीसी इन जहां पे अमीनो एसिड अटैच करता है। सो होप कि गाइस ये आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। Dream is to clear the CSIR NET Life Science. I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.